नमस्कार, मैं हूं प्रथम मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं दिल्ली तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक जगह जाकर पहले तो मुख्यमंत्री आवास योजना का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, जिसके तहत 65,000 झुग्गी वासियों को पक्के मकान के सर्टिफिकेट उन्होंने बांटे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आज अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। 5 साल उनकी जो सरकार रही है, उस सरकार ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, ये उन्होंने वो रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जिसके बाद उन्होंने लोगों को बताया कि हमने ये काम किया है और इसके तहत ही उन्हें वोट मिलने चाहिए उनके अच्छे कामों के चलते। और दोनों ही जगह जब वो गए, पहले मुख्यमंत्री आवास योजना और दूसरा फिर रिपोर्ट कार्ड वाले समारोह में, दोनों ही जगह उन्होंने अपने काम कुछ इस तरह गिनवाया। पहली बार एक सरकार आई है जिसने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करा है। आज तक कोई सरकार आई थी जिसने सरकारी स्कूल ठीक करे? पहली बार एक सरकार आई है जो गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है। पहली बार एक सरकार आई है जो आपके परिवार का अच्छा इलाज कराने की कोशिश कर रही है। आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, पूरी दिल्ली के अंदर अस्पताल बना रहे हैं, अस्पतालों में सारा इलाज मुफ्त कर दिया। पहली बार सरकार आई है जो झुग्गियों के अंदर सड़क और गलियां बना रही है। पहली बार सरकार आई है जो झुग्गी वालों को पानी पिला रही है। पहली बार सरकार आई है जो झुग्गी वालों को फ्री में बिजली दे रही है। दोस्तों, आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया। आपकी दारू का नहीं, दवा का, वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा। आपके सड़कों का इंतजाम कर दिया, अब सीवर की लाइन भी डल रही है, शौचालय का इंतजाम कर दिया। रिपोर्ट कार्ड तो जारी कर दिया, इसी के साथ ही आवास योजना के तहत एक नई घोषणा भी कर दी, एक नया सौगात भी दे दिया दिल्ली वालों को। लेकिन इसके बाद अब आगे क्या है केजरीवाल का प्लान, इससे रिलेटेड गोपाल राय ने 2 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने बताया कि अब रिपोर्ट कार्ड भी जारी हो गया है, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो अब आम आदमी पार्टी आगे क्या करने वाली है। आगामी 26 दिसंबर से पार्टी डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेगी, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं वरिष्ठ पार्टी नेतृत्व की उपस्थिति में 7 टाउन हॉल मीटिंग की जाएगी, जहां सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि जैसे विभिन्न कार्यों के बारे में चर्चा की जाएगी। गोपाल राय ने पहले ये ट्वीट किया था, इसके बाद उन्होंने तुरंत ही दूसरा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने दिन और तारीख और कौन से टाउन हॉल में कब मीटिंग होगी, इस बारे में भी लोगों को जानकारी दी। 7 टाउन हॉल मीटिंग कुछ इस प्रकार हैं: 26 दिसंबर को नई दिल्ली सीट पर, 27 दिसंबर को चांदनी चौक में, 30 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट में, 3 जनवरी को ईस्ट लोकसभा सीट, 4 जनवरी को वेस्ट, 5 जनवरी को नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट और 7 जनवरी को साउथ लोकसभा सीट। तो गोपाल राय के इन 2 ट्वीट्स के साथ ये तो जाहिर है कि अगले 2 हफ्ते आम आदमी पार्टी अब टाउन हॉल मीटिंग के जरिए और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो उनके जो वोटर्स हैं, उनको अब लुभाने में लगेगी। और जाहिर सी बात है, 7 जनवरी जहां इनकी लास्ट टाउन हॉल मीटिंग है, उसके बाद घोषणा हो ही जानी है कि तब तक कि चुनाव कब होने हैं, जो कि फरवरी के पहले वीक में होने हैं, पहले हफ्ते में होने हैं। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का आगे के 2 हफ्तों का जो प्लान है, वो हमने आपको बताया। दिल्ली तक पर इस तरह की और वीडियो के लिए दिल्ली तक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर फॉलो करें और फेसबुक पर लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।